बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है, भेंगे से मुंह वाली जब बोलती है तो मुंह एक तरफ को टेढ़ा होता है। ये इसका शरीर ना अजीब सा हो रहा है, अंकुश का टेढ़ा सा अजीब सा हो रहा है। ये कहना है उन लोगों का, उन औरतों का जो शायद अपनी ही शक्ल दिखाने के लायक खुद को नहीं समझती हैं, है ना, कभी अपनी शक्ल दिखाती नहीं, उनको लग पता है कि भी कल मुहियाँ हैं, शक्ल दिखाने लायक नहीं है, नहीं दिखाती हैं, पर दूसरों को जो है बातें करनी है। अजीब ही सोच है, मतलब जब जो है कहीं और बस नहीं चलता है तो बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग है शुरू कर देते हैं ये। अब कहा है भाई किसी बुजुर्ग ने, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो पता नहीं क्या क्या खाती हैं ये महिलाएं, कटरपुर की कीड़ियाँ। सोच भी वैसी ही है ना, और मतलब कि क्या ही बोलूँ। चलो जो भी है भाई। तो जी दादी को कहा गया बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो देखो भाई दादी को किसी लगाम की ज़रूरत नहीं है, लगाम की ज़रूरत है तुम्हारे डीजेगंज की महिलाओं की, वो हुई पड़ी हैं बेलगाम और तुम हुई पड़ी हो बेलगाम अपने करतूतों से, अपनी जुबान से। तो ये लगाम लगाओ तुम अपने आप पर, है ना। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे बकवास कमेंट से, इस छिछोरी हरकतों से दादी डर जाएगी, पीछे हट जाएगी, चुप हो जाएगी, तो मैंने कल भी कहा था ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है, समझी। चलिए जी, राम राम बच्चा, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। दादी भी एकदम एकदम ही ठीक ठाक है, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता है। तो जी कल मैंने अंकुश का, नहीं आज मैंने अंकुश का ब्लॉग देखा है ना, वैसे तो बता रहा था कुछ, है ना, कोई प्लानिंग है उसके, उसके बारे में बता रहा था और कह रहा था कुछ सुकून सुकून भी उसने बोला कि सुकून कुछ ऐसा बोला, लेकिन उसकी आँखों में सच बताऊँ ना मैं, सुकून दिखा नहीं मुझे। और सुकून दिखेगा भी कैसे, जिस इंसान को मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ये बोलते रहते हैं ना ये जो कुछ चैनल्स हैं कि भाई हम जो पूतना को परेशान कर रहे हैं, पर असल में कौन परेशान किया जा रहा है, जिसके बारे में इतनी झूठी सच्ची कहानियाँ बताई जा रही हैं, जिसकी मदर के बारे में इतना कुछ बकवास किया जा रहा है, सिस्टर के बारे में इतना कुछ बकवास किया जा रहा है, तो उस इंसान को सुकून कहाँ से, मतलब जिसका अपना बच्चा उससे दूर है, है ना, परिवार टूटा पड़ा है, मतलब कभी कभी तो मुझे ना बड़ी मतलब बड़ा दुख होता है उस माँ के लिए। मैं अंकुश की मदर की बात कर रही हूँ अपने, देखिए हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे का घर बसा रहे, जो इल्ज़ाम लगते हैं ना उस पर लगाने वाले तो मुँह है कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी माँ नहीं होती है जो ये चाहे कि भाई उसके बच्चे का घर, उसके बेटे का घर ना बसे। तो अपने सामने ये सब देखना कि भाई देखो मेरी उम्र ढलती जा रही है और मेरे बच्चे का अकेला है ना, शादीशुदा होने के बावजूद अकेला है, उसकी संभाल वगैरह सब कुछ उसको करनी पड़ती है, तो कहीं खुशी वाली चीज़ नहीं है ये। तो मुझे बड़ा दुख होता है उस माँ के लिए, उस बहन के लिए बेचारी के लिए, जो कहीं ना कहीं अपने फ़र्ज तो निभा ही रही है, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे जॉब हो, है ना, फिर भी उसको बिना मतलब से बातें की जाती हैं उसके बारे में। अब देखो कुछ और मैंने कहा ना, जब इन लोगों का बस कहीं और नहीं चलता है तो ये बॉडी शेमिंग पे आ जाते हैं, भाई उसको बोला जा रहा है उसका भेंगा सा फेस है, मुँह टेढ़ा करती है। तो बेल्जियम की सांड जही लाइन, कभी तूने अपना चेहरा देखा आईने में, मतलब खुद को ये जो महिलाएं हैं, ये गटरपुर की महिलाएं, उनको पता नहीं क्या लगता है कि कोई मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स है जो दूसरों को बातें करती रहती है, कुछ लोग कमेंट्स में बकवास कर रहे हैं, कुछ ये खुद बकवास करते रहते हैं ना, है कोई पता नहीं, एक कोई कानी कानी आती थी, अब उसने अपना नाम चेंज किया, डोली डंगर हो गई है, वो भी डंगर, नाम भी डंगरों डंगर और काम भी डंगरों वाले हैं, जानवरों वाले, भाई जानवरों को ही पता नहीं होता भाई, नहीं भाई जानवर भी इनसे बेहतर होते हैं ना, बिना मतलब से मतलब भैंस जो या गाय वो बिना मतलब सींग तब तक नहीं मारती है जब तक उसको परेशान ना किया जाए। ये खुले सांड जो होते हैं ना, ये वो है बेल्जियम का सांड तो है ही जही लाइन, वो मैं अपना चेहरा तब दिखाऊंगी जब अंकुश का चैनल जो है ना वो बंद हो जाएगा, तो भी मनहूस औरत तुझे क्या लगता है कि तेरे भौंकने से तेरे बोलने से उसका चैनल, उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ऊपर एक जो है ना रब परमात्मा जो बैठा हुआ है ना वो सब कुछ देखता है, तो तुम जैसे मनहूसों के या तुम्हारी जो बदवाओं का जो सिलसिला होता है उससे कुछ नहीं होगा। तो मतलब ऐसा हो कि बोल रही थी कि भाई ऐसा हो कि सो के हो एक तरफ उसका और एक चैनल डिलीट हो जाए है, भाई मैं तो कहती हूँ जो तूने मुंह से जो गंदी सी ये बात निकाली है ये तेरी जीजियों पे लागू हो जाए, हालांकि देखिए हम नहीं, मैं कभी नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ कि बेटे को मेहनत की है तो चलो सब खाएं कमाएं, है ना, बस दादी को इतनी प्रॉब्लम है कि भाई झूठ सच ना फैलाया जाए, है ना, जो लोगों को एक मैसेज इन्फ्लुएंसर होकर आप जो गलत मैसेज दे रहे हो वो ना दे, बाकी भाई हम क्यों बोले किसी का चैनल डिलीट हो जाए, पर ये देखिए है ही गंदी सोच इनकी है, वो मतलब
देखिए हम भी रिएक्शन देते हैं या बाकी रिएक्शन चैनल्स भी हैं, लेकिन ये जो एक नफरत है ना इन लोगों की, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनके चैनल डिलीट हो जाए, इनकी माँ मरती क्यों नहीं है, मतलब ऐसी तरह की बातें ये इतनी नफरत भर के बोलना कि भाई हम तो कुछ बोलते ही नहीं, हम तो गाली नहीं देते, ये मुझे समझ में नहीं आता भाई। चलो वैसे भी है, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे हम खुद होते हैं वैसे हम लोग, हमें वो लोग पसंद आते हैं वैसे वाले, तो इसीलिए भाई इनको जीजियाँ पसंद आती हैं, क्योंकि जीजियाँ भी इसी टाइप की हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी हैं। कल जो ज्ञान दे रही थी बड़ छोटी पूतना भाई है, ऐसे वैसे तैसे दो लोगों की बातें दो लोगों को ही पता होती हैं, ये है भाई तेरी बातें तो दो लोगों को पता नहीं थी, अगर मियाँ बीबी की बातें करी जाएँ उनको पता थी, तुम्हारी बेडरूम की बातें, तुम्हारी लिविंग रूम की बातें, बाथरूम की बातें, किचन की बातें, तुम्हारे घर परिवार की बातें जब सिर्फ तुम लोगों को पता थी, तो इतने डिटेल में उस जहिलाइन को कैसे पता था है कि तुम्हारे जो तुम्हारा वो कागजी पति है तुम्हें बोलता था कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं, अकाउंट में तुम पैसे यहाँ डलवाओ, तुमने ऐसे बोला जब तुम घर जाती थी मायके जाती थी तो तुम्हारे बेड वगैरह सारे खंगाले जाते थे, अटैचमेंट वगैरह, तुम्हारी ननद गीले कपड़े लेके आती थी, ये भी तो दो चार लोगों के बीच की बातें थी, फिर उनको कैसे पता। मतलब ज्ञान तो तुम बड़े बड़े देती हो, दो लोगों की बातें चार लोगों की बातें, लेकिन खुद कभी अमल नहीं करना है। फिर वो गाड़ी गुड़ी को दिखा देगा कि जो बिना मतलब की हंसी होती है ना, मतलब बिना मतलब से है, उस बात पे कोई हंसी नहीं थी, झूठी झूठी देखो मैंने लेवेंडर के पेंडर क्या बोल दिया मैंने, है लेवेंडर औरत है वो, पता नहीं कौन सी गाड़ियों का नाम ले रही थी, क्या है दादी को नहीं पता है, तो भाई ये कौन सी हंसी थी बिना मतलब से, है दूसरों को चिढ़ाने के लिए कि मैं बड़ी खुश। हालांकि सुकून सच बताऊँ ना, तुम्हारी ज़िंदगी का भी लूटा पटा है ना, लूटा पड़ा हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुकून है, अगर तुमने उसकी ज़िंदगी का जो अपने ससुराल वालों की ज़िंदगी का तुमने सुकून छीना हुआ, तो सुकून में तुम भी नहीं हो, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, जो भटक रही हो ना, रातों को नींद है दिन में चैन है, कहानियाँ यहाँ सुना रही हो वहाँ सुना रही हो, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में। और हाँ, कहानी से मुझे याद आया कि भाई कल है ना कहीं जो है वो एक ईमेल दिखाया गया था एक्स का, इसके कचरा जिसको बोलती है, कि कैसे कंप्लेंट करी गई थी उसके साथ मिलकर फिसड्डी के बारे में, पीएचडी होल्डर का नाम फिसड्डी है आज से, ठीक है। मेरे को किसी मेरे सब्सक्राइबर ने, प्यारे दोस्त ने बोला, मेरी प्यारी प्यारी बच्चे ने बोला किसी ने कि भाई फिसड्डी ठीक है ना, तो मैं फिसड्डी ही बोलूँगी आजकल, वैसे भी फिसड्डी है वो, है ना, करतूते फिसड्डियों वाली है, चाहे जितना शेख चिली वाले वो मार ले है डींगे मार ले। तो भाई दिखाया कि कैसे अपने जो एक्स के साथ मिलकर उसने उस फिसड्डी के लिए कंप्लेंट करी थी, है ना। तो लोगों का कहना है, तोतली को शोतली कह रहा है, भाई 2019 की बात क्यों लेके रह रहे हैं, 2019 की बात क्यों लेके रह रहे हैं। देखिए मैं किसी का जवाब नहीं दे रही हूँ, बट आप देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं बात अंकुश से जुड़ी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो तोतली, अब तुझे 2019 की बात सुन के बड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो तू तो समान 2020 का जो सम्मान लिया था 2021 में, जो या तुमने जो पुराने हैं तुम्हारे, तो वही चला हुआ है आज भी, ट्रैक तुम्हारा उसी पे है, समान टेंट के पैसे दिए, आते किसी ने बात नहीं की, और तो काम इनको कुछ नहीं करना है, मेहनत इनको कुछ नहीं करनी, दूसरों के नाम चुरा के हैं भाई, लोमड़ किसको बोलते थे, है ना, और कौन बोलता था, वहाँ से चुरा लिया, किसी की कम्युनिटी चुरा ली, किसी की बातें चुरा ली। मैं भाई बिम्मी बच्चा बिल्कुल सही बोल रही थी कि भाई इनसे कुछ अपना तो होता नहीं है, है ना, मैंने सुना बिम्मी बच्चा तुमको कर्मनीता की लाइव में, बिल्कुल सही बोल रही थी कि कुछ अपना भी करो, है अपनी एक पर्सनैलिटी होती इंसान की, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती, तो कुछ अपना कर ले, है मतलब कमेंट भी तो खुद नहीं पढ़ती, देखो रिछा क्या लिखा है, देखो कानी देखो तारा रारा तूरा रारा क्या लिखा है कमेंट में, है क्यों तेरे को पढ़ती है, तो क्या था शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वो मुझे बड़ी हंसी आई थी मुझे ना, वो बेचारी को पता है इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी नहीं पढ़ी जाती, और हम तो भई हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, IIT कंपनी क्या बोलती थी उस कंपनी में काम करते हैं, फिर जब पोल खुली तो नहीं ये कंपनी मेरी है। तो भई मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी है, नहीं बिल्कुल, लेकिन कम से कम मातृभाषा तो ठीक से बोल लिया कर तोतली, है बड़ी आई तू फिर दूसरों को बातें करने वाली, हमसे गाली नहीं देते, हमसे ये हमसे वो, अरे फिट है मुँह। और जहाँ तक रही भाई कंचन की बात, है ना, अब तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद हुआ है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, अदरवाइज़ वो लड़की कहीं से भी, देखिए छोटी मोटी कमियां हर इंसान में होती हैं, अगर बिल्कुल परफेक्ट ही हो जाए तो भगवान ना बन जाए, है ना, इंसान में कुछ तो कमियां होती हैं, लेकिन जहां तक मेरी नज़र से देखा जाए तो भाई वो अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है, अच्छी पत्नी है, अच्छी माँ है, अच्छी बहू है, और इंडिपेंडेंट नारी है, इंडिपेंडेंट लड़की है।
मतलब उसके बारे में बड़ी कुछ बातें की जाती है कि भाई सब्जी उसको काटी कटाई मिल जाती है, उसकी जेठानी काम करती है, वो तो सिर्फ तड़का लगाती है, वो कुछ नहीं करती है। तो भाई उनके परिवार ने तुम्हें कुछ बोला कभी? जब काम करने वाला, जब पूरा परिवार साथ रहता है तो सभी मिलजुल कर काम करते हैं, अपने हिसाब से जो है वो मैनेज की होती है चीज़ें। भी कोई काम करने बाहर जा रहा है तो उसे है ना, जब घर वापस आता है तो कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जब उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है सब्जी काटने में, उसकी जेठानी को कोई दिक्कत नहीं है उसकी हेल्प करने में, तो तुम कौन खाम खा है? बोला जा रहा है कि ऐसा क्या टैलेंट है किंचन में, ऐसा क्या टैलेंट है? तो टैलेंट क्या कमी है उसके टैलेंट में? घर का काम करती है, ऑफिस जाती है, जॉब करती है, इंडिपेंडेंट है, इससे ज़्यादा टैलेंट क्या चाहिए? खाना बनाती है, अच्छा टेस्टी खाना बनाती है, देख के लग जाता भाई। कहते हैं ना, मुंह में खाने से पहले आंखों से खाया जाता है, जब तक आंखों को चीज़ कोई अच्छी नहीं लगी तब तक मुंह को भी स्वाद नहीं आता है ना। तो अच्छा भला चंगा तो बनाती है। तुम्हारी चीज़ों में क्या टैलेंट है? कड़ू, एक कड़ू बनाती हैं, दही तड़का, एक वो नमकीन चावल बना लिए, बाकी क्या बनाने आता है उनको है? और कि बैठी रहती है भी है, जो ये झूठी है ना, इसने बहुत मेहनत की है, तो आज अगर बैठ के भी बोलेगी तो लोग उसको सुनते हैं। हाँ जी सुनते हैं, 580 जो है के सब्सक्राइबर में से 10-20 बड़ी मुश्किल से सुनते हैं, वो भी मतलब हमारे इधर के ही जाते हैं देखने की आज क्या नौटंकी तमाशा लेके आई है, है? तो उसका टैलेंट क्या है मुझे वो समझ में नहीं आया। उसने आज तक जो ये उसके इतने व्यूज़ आते थे, उसने पहचान बनाई है, तो उसने पहचान पता किस चीज़ से बनाई है? अपनी बहन के घर के तमाशे दिखाकर, अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके है ना, उसने तमाशे दूसरों की ज़िंदगियों के। और अब नंबर है भाभी का, दिख ही रहा है ना। तो ये टैलेंट है उसमें, और ये बाकी का टैलेंट जो छोटी पूतना का वो तुमने देखा ही है। अभी कहा जाता है कि भाई ससुराल के नाम से तो जो ये कमाते नहीं है, तो अभी भी जो उसका टाइटल है ना, कहीं ना कहीं खुद को संभाल लिया है, और पता नहीं कुछ लंबा सा टाइटल था कुछ भी था, लेकिन वो टाइटल बिल्कुल ससुराल से जुड़ा था, अंकुश से जुड़ा था। मतलब अभी भी जो है बात करें ना करें, टाइटल में इनको टाइटल खेलने की आता शुरू से है। जब शुरुआती 1.5 साल में ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था ना, तब भी ये टाइटल के थ्रू उसको प्रोवोक कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे, है ना। तो ये टाइटल जो है पूरे टब्बर को खेलने की आदत है। तो अभी कौन ससुराल वालों के नाम पे, कौन पति के नाम पे, कौन किसके नाम पे कमा रहा है ना, सब अच्छे से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे आती है फिसड्डी के बारे में, जब ये कहते हैं ना कि भाई वो पढ़ा लिखा है, जो है वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, पढ़ा लिखा इंसान है, सरकारी इसको नौकरी मिली है, ये है वो है, 10-15 साल लगा के अगर उसने PhD कर भी ली तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। कई कर रहे हैं आजकल PhD, चलो अच्छी बात है PhD करी, हम क्या बोले इस बारे में, है ना। और जहाँ तक रही भाई, तुमने तो ये भी नहीं किया, तो तुम्हें पता है तुम लोगों को सर्टिफिकेट दिखाए हैं लोगों ने, या मेरे जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, या दादी ने दिखाया है कभी कि दादी पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है? नहीं ना, क्योंकि तुमसे ना तो हमें मतलब वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, ना करेक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, तुम हो कौन, है ना। पर जी चलिए, दादी भी यहाँ से बाप भटक जाती है। तो उस पे सड्डी के लिए बोला जाता है कि भाई उससे जलता है अंकुश। भाई ऐसे मैं तो कहती हूँ, ऐसे PhD धारक इंसान से तो अनपढ़ इंसान बेहतर है, जिसको ये पता होता है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है, उसको किसके घर में कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जो इंसान अपने माँ बाप का बिल्कुल फिक्र नहीं करता ना, मतलब छुट्टियों, वैसे तो खैर बुक जॉब पे है, जब जॉब नहीं करता तब भी ससुराल में पड़ा रहता था, अब जॉब से जब आता है तब भी ससुराल में पड़ा रहता है, मतलब माँ जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या ही होगा है? तो ऐसे पढ़े लिखे इंसान से तो मैं कहती हूँ फिर भाई अनपढ़ ही रह जाए बच्चे, कम से कम माँ बाप के तो सगे रहेंगे, पढ़ लिख कर ऐसे होने से बेहतर है अनपढ़ रहो। एक बंदा जो मतलब जिसने अपने माँ बाप भुला दिए, अपने भाई भाभी सब रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, सिर्फ अपने यहाँ ससुराल में लगा है, इनके पता नहीं इनके मामलों में जो हस्तक्षेप करने वो इनको अच्छा लगता है, और जो एक लड़का जिसने कहीं ना कहीं देखो पत्नी को भी सम्मान दिया था लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसको पता है भाई जन्मदाता माँ है, माँ ने पाल पोसकर बड़ा किया, और अब बुढ़ापे में ये बेटा ही उसका सहारा है, ये लड़का इनको जो बुरा लगता है मुझे ये समझ में नहीं आता किस प्रवृत्ति के ये लोग हैं, है ना। मुस्टंडे टाइप के लोग इनको पसंद हैं, और जो बेसंस्कारी हैं कहीं ना कहीं, जो परिवार संस्कारी है, जो संस्कार जो आज भी जो अपने संस्कार निभाते हैं वो इनको बुरे लगते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए भाई,
सही बात है, मुस्टंडों को मुस्टंडे ही पसंद आएंगे, है ना। तो ये वाली सारी बात ही मैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ जहीलाइन तुझे, कि तू इतनी ही ऐश्वर्य राय है, तू अपना थोबड़ा दिखा, कोई भेंगा है, चेंगा है, टेंगा है, तुझे क्या ही लेना देना। तूने बेटे अपने बेटे से शादी करवानी है कंचन की, उसकी शादी हो गई है, जब उसके पति को दिक्कत नहीं है उसके भेंगे बन से, वो भेंगी भी है, भेंगी दिखती है, भेंगी देखती है, जब उनको दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत है। तो खुद को संभाल ले ना, मतलब इतनी क्या ही बोलूँ, है ना, अपनी इतनी शक्ल दिखाने लायक नहीं दूसरों को बातें करिए। चलिए इतनी सी बैंड बजानी है अभी तो इन तोतलों शोतलों की, जहीलाइन की भी। और कोई मुझे बोल रहा था कि आपकी फ़ोटो ना वो लगाई हुई है कहीं किसी चैनल पे, तो लगाओ लगाओ, जितनी फ़ोटो लगानी लगाओ। जब मेरे हत्ते मेरे को लग गया पता लगाई, उस दिन क्या तुम्हारी ऐसी तैसी करूँगी ना, उसी दिन तुमको पता चलेगा, है ना। दादी बड़ बोलापन नहीं करती है, सीधा करती है जब करती है तो। चलिए अभी के लिए इतने काफ़ी है, पता नहीं क्या क्या गटर पटर कर गई आज, मैं भी खिचड़ी पका दी मैंने। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, है ना। समझ आएंगे तो क्या करना है आपने, लाइक कमेंट शेयर करना, लाइक भर भर के करो आप, है ना। टुच्चे पुच्चे लोगों के मुँह पर लाइक मारो, एक लाइक 10 जूता इन ट्रू वालों के, इन टुच्चों तोतलों के मुंह पे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।